कृषि दर्शन के देखइया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? हम भाई, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि आप मन घलोक ये सत्र में बढ़िया रहूँ और बने बने रहूँ। संगवारी हो, जैसे कि आज आप मन है देखा था कि मैं बढ़िया गेहूँ के खेत में बैठे हावों और सुघर गेहूँ के मेरे फसल लगे हावे। संगवारी हो, अतेक सुघर गेहूँ के फसल लगे है तो आज हमन है यही विषय में गोट बात करबो। फिर संगवारी हो, ढेरे कन चर्चा और गोट बात भी बाँचे है, लेकिन एक ठन अभी शुरुआत करे के पहली आप मन बर हावय कुछ खास। फूल गोभी या गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। बुआई इसकी सीधी अगर मुख्य खेत में इसकी बुआई नहीं की जाती, इसके लिए नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो 22 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि किसान भाई जो हैं नर्सरी बेड तैयार कर लें, अच्छी मतलब 1 मीटर से 2 मीटर चौड़ी जो है इसकी चौड़ाई हो और अपनी आवश्यकता अनुसार किसान भाई उसकी लंबाई रखें और अच्छी से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए नर्सरी के बेड की। और उसको उपचारित करने के लिए किसान भाई फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करें और अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद उसमें डालें ताकि उसकी मिट्टी जो है नर्सरी की रोग रहित हो जाए और अच्छी पोषक तत्व से भरपूर हो जाए। उसके बाद किसान भाई उचित बीज का, मानक बीज का इसमें बुआई करें। जैसे अलग अलग इसमें अगर किसान भाई को अर्ली वैरायटी चाहिए तो पूसा स्नोबॉल, पूसा सिंथेटिक, मध्यम वर्ग की वैरायटी चाहिए तो इसमें पूसा ड्रम हेड, पूसा स्नोबॉल, और अगर लेट वैरायटी अगर किसान भाई करते हैं तो माधुरी हो गया, अघनी सुपर हो गया, पूसा स्नोबॉल 2 हो गया, ये सब किस्म जो है का चुनाव किया जा सकता है। और बीज बुआई से कम 22 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है जिसका रोपण किसान भाई आसानी से मुख्य खेत में कर सकते हैं। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम मन गोट बात करत हन कि गेहूं की खेती के प्रबंधन कैसन ढंग के करना चाहिए ये विषय में, और यही विषय में गोट बात करे बर, चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर नीतीश तिवारी जी, जेन हाँ आप मन ल बताही कि कैसन ढंग के हमन हाँ गेहूँ के खेती में ओकर प्रबंधन ल करन। और हमार जन वैज्ञानिक भाई है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ले हावे संगवारी हो, और जेमा आप मन हाँ ओकर से ढेरकन चर्चा सुनबो जानबो। तो सबले पहली हम यही जानना चाहबो कि गेहूं के खेती अगर हमार किसान भाई मन हाँ करत हावे तो वो मल्ला जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करना चाहिए, और जमीन के तैयारी के संगे संग हमार छत्तीसगढ़ के जन जलवायु है संगवारी हो वो कतका उपयुक्त है गेहूँ के खेती पर, ये ला जरूर जानना है। कोई भी खेती की बात करते हैं तो शुरुआत अपने को ज़मीन से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ की जैसे कि अपने को पता है 4 प्रकार की मिट्टी अपने यहाँ पाई जाती है, भाटा मटासी डोरसा कन्हार। तो इस प्रकार की जो मिट्टी हैं इसमें भाटा को अपन छोड़ दें जो कि थोड़ी सी अनुपजाऊ मानी जाती है छत्तीसगढ़ के जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें, तो बाकी जो मिट्टियां हैं मटासी डोरसा और कन्हार इन मिट्टियों में गेहूं की फसल को बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन मैं यहां एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मटासी में कर रहे हैं तो मटासी में जब तक आपके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त ना हो, मतलब कि गेहूं को सामान्य तौर पर जैसा कि 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है तो मटासी में हमको सिंचाई की आवश्यकता पूरी होगी, और इस कारण से किसान तभी उस मिट्टी का चयन करें जब उनके पास वो सिंचाई की साधन पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा जब हम मृदा की बात करते हैं तो हमको जैसा कि पता है किसान भाइयों की किसी भी फसल को उगाने के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो हमारा एक नींव का काम करता है और नींव में हमको मजबूती देना जरूरी होता है। उसी प्रकार फसल की खेती, किसी भी फसल की खेती करने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मृदा बहुत अच्छी तरीके से या मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से
तैयार की हुई हो उस फसल के हिसाब से। गेहूं की फसल के लिए मुख्यतः हम जब जुताई करने शुरुआत करते हैं तो धान की फसल करने के पश्चात उसके पैरा हटा लेने के पश्चात हम दो बार कल्टीवेटर से बहुत अच्छे तरीके से जुताई करें। और कल्टीवेटर से जुताई ऐसा करना है आपको कि उसको क्रॉस बोलते हैं हम, एक बार सीधी जुताई उसके बाद एक बार आड़ी जुताई। तो इस प्रकार से जुताई करने से मृदा पूर्णतया गेहूं के लिए उपयुक्त रूप से तैयार होती है। उसके पश्चात यदि किसान भाइयों के पास रोटावेटर हो तो रोटावेटर से उसको बारीक कर लें, यदि रोटावेटर ना हो तो डिस्क हैरो और पाटा चलाकर मृदा की पूर्ण मिट्टी की पूर्ण तैयारी कर लें। इसके पश्चात ही ये सुनिश्चित करें कि हमको बुआई करना है। बुआई करने के लिए हमको ये चीज़ ज़रूर देख लेना है कि गेहूं की फसल में थोड़ी पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसके लिए आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सिंचाई के साधन हैं। तो संगवारी हो, आप मन देखियो सुने कि जमीन के तैयारी है कतका महत्वपूर्ण है। हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला ढेर अकन गोट बात ला बताई से कि जमीन के तैयारी हमारे किसान भाई मन है कैसन ढंग के करे ये विषय में। संगवारी हो, ढेर अकन चर्चा हुई से जमीन के तैयारी के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है वैसे तो लगभग सभी प्रकार के फसल पर उपयुक्त है, गेहूँ के फसल पर घलोक बहुत अच्छा है। तो संगवारी हो, अब हमन है जानथन कि गेहूँ के अगर खेती हमारे किसान भाई मन करत है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते ओकर बीज के और ओकर संगे संग ओकर बोवाई के का विधि होना चाहिए। तो संगवारी हो, बीज के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, बोवाई के का विधि होना चाहिए, यही जम्मो गोट बात ला लेके आवत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहत है। सामान्य तौर पे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बीज की मात्रा हम उपयोग करते हैं वो लगभग 80 से 100 किलो बीज दर रखते हैं प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ पे। और जो हम बुआई करते हैं सामान्य तौर पे हमको सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीड ड्रिल से एक निश्चित दूरी पे पंक्तियाँ होती हैं, मतलब गेहूं के लिए जो कि 20 सेंटीमीटर निर्धारित की गई हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पंक्ति हो तो गेहूं की बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से होती है। बीज की जहाँ तक हम ये बताएं गुणवत्ता की बात करें तो बीज आपकी प्रमाणिक बीज यदि आपको मिल सके जो कि बीज निगम छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम या फिर किसी भी संस्था जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या किसी और संस्था से आपको यदि प्रमाणित बीज मिल सके तो वो सबसे अच्छा या उत्तम माना जाता है। अब बीज आप ये देख लें बोने के पहले कि किसी भी प्रकार से किसी खरपतवार बीजों से या किसी और चीज़ों से मिक्स ना हो और दाने अच्छे हों, ठोस हों, ताकि वो बुआई करने के पश्चात उसका अंकुरण पर्याप्त मात्रा में हमको मिले। क्योंकि यदि अधिकतम अंकुरण नहीं हमारे को मिलेगा तो गेहूं में हमारे यहाँ चूँकि ठंड कम पड़ती है दूसरी जगहों की अपेक्षा, तो हमारे को उसके जो कल्ले बनते हैं यानी टीलर्स जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ की ठंड में नहीं आते, इसके कारण से बीज दर को अधिक मतलब अधिकतम जो हम बात कर रहे हैं 80 से 100 किलो की वो रखना ज़रूरी है ताकि हमको उपज अच्छी प्रकार से मिल सके। इसके अलावा आप जब बुआई करें तो बीच में आप ये कर सकते हैं कि किसी फंजीसाइड जैसे कि बावेस्टिन है यदि मार्केट में अभी उपलब्ध हो रहा है तो बावेस्टिन की मात्रा को 2.5 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा प्रति किलो के हिसाब से उसको उपचारित करके आप बोएं तो जो भी किसी भी प्रकार के फफूंद गेहूं में लगने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। संगवारी हो, ढेर कन चर्चा होई से गोट बात होई से, अब बेरा हो गया एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भाई संगवारी हो, आप मन देखियो सुने कि कैसन सुघर ढंग ले बीज और बुआई के विधि ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई सब है। एकर संगे संग यहू गोट बात हो इसे संगवारी हो कि कैसन ढंग के हमला कौन कौन से प्रकार के विधि से हम बो सकत हावन। और अब बात करते हैं संगवारी हो, जल ही जीवन है, यानी कि कोनो भी प्रकार के चाहे वो मनखे हो संगवारी हो, चाहे वो हमारे फसल हो, जल महत्वपूर्ण हबे, जल के प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो भाई गेहूं के खेती में कैसन प्रकार के जल प्रबंधन होना चाहिए, यही विषय में गोट बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। देखिए गेहूं की खेती में सिंचाई का बहुत महत्व है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसान भाई सिंचाई को सुनिश्चित नहीं करते, जो कि मैंने सबसे शुरुआत में आपसे कही है बात कि सिंचाई को यदि आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें कि रबी फसलों में जिसकी पानी की मात्रा अधिक चाहने वाली है। इस कारण से हमको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे पास कितनी सिंचाई की व्यवस्था है। सामान्य तौर पर गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और उसमें भी जो 20 से 25 दिन बुआई के अंतराल पे जो हम सिंचाई करते हैं वो सिंचाई सबसे ज़्यादा आवश्यक मानी गई है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उस समय जो गेहूं की जड़ें हैं वो जड़ें बढ़ती हैं और उससे कल्ले निकलने की शुरुआत होना शुरू होती है। तो इस कारण से वो सिंचाई को सबसे ज़्यादा आवश्यक माना गया है। और यदि वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं किसान भाई, तो ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है, खोज में पाया गया है, वैज्ञानिक खोजों में कि 25 से 30% तक की उपज में हानि होती है। तो किसान भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि उस सिंचाई को सुनिश्चित करें। तत्पश्चात यदि आपके पास 5 पानी और देने की व्यवस्था है तो आप, जैसा कि मैंने पहला पानी बोला 20 से 25 दिन, दूसरा 40 से 45 दिन, तीसरा 55 दिन पे, और चौथा आपको देना है 70 दिन पे, तत्पश्चात 90 दिन और 105 दिन। ये टोटल 6 सिंचाई आपको करना है, और इसमें जो आखिरी सिंचाई है जो कि दूध भरने पे, गेहूं में दूध भरने के समय की जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक है, नहीं तो दाने आपके छोटे रह जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी सिंचाई को सुनिश्चित करते हुए एक प्लान बनाकर उसको गेहूं की फसल पे उपयोग करें, अदर नहीं तो ये होता है कि गेहूं की फसल पे उसका सीधा असर दिखाई देता है। जैसे कि बात करें हम सिंचाई के, जल प्रबंधन के, तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब बताई से कम गेहूं के खेती में हमला 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ते। तो संगवारी हो ये बात ला आप मन हा भली भांति ले जान लूँ, और जेन जेन भी प्रकार के जल प्रबंधन के विषय में हमार गेहूं के खेती पर हमार डॉक्टर साहब बताए है, ये ला आप मन हा बिल्कुल ध्यान धर के रखे रहू। अब हमन संगवारी हो बात करथन खाद और खरपतवार के। भाई संगवारी हो, खाद जैसे हम मनुष्य पर पोषक आहार जरूरी है, वैसे ही हमार फसल पर
ये खाद के होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन येला कब कब डालना है, कैसे कैसे डालना है, ये जम्मो गोट बात ल घलोक तो सीखना और समझना जरूरी हवे। और यही विषय में ढेरकन चर्चा करते हैं खाद और खरपतवार के प्रबंधन में का करे जाए, यही ला बताते डॉक्टर साहब हा। आओ देखथन और सुनथन वो काय करत है। अब खाद की जब बात करें तो हम प्रति एकड़ या ढाई एकड़ में बात करें तो प्रति एकड़ डीएपी की एक बोरे मतलब जो 50 किलो की मात्रा होती है वो हम किसान भाई उपयोग करते हैं, चाहे तो उसको ढाई एकड़ में बात करें तो ढाई बोरा की बात करते हैं हम। तो ये लगभग 125 किलो डीएपी हम डालते हैं बुआई के समय में, साथ ही पोटास की जो मात्रा है जो म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है उसकी हम 50 से 60 किलो की मात्रा हम बुआई के समय में देते हैं। अब आती है कि नाइट्रोजन की मात्रा, चूँकि गेहूँ की फसल में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जो कि बुआई के समय देने के डीएपी के साथ जाने के साथ ही हमको अलग अलग अवस्था में उसके नाइट्रोजन हमको देना गेहूँ में आवश्यक होता है, नहीं तो गेहूँ का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसीलिए गेहूँ की फसल में हम नाइट्रोजन को तीन भागों में बांटते हैं, एक जो बुआई के समय हम दिया हमने डीएपी के माध्यम से दिया, और बाकी जो दो भाग बचते हैं उसको हम एक भाग हम देते हैं जब कंसा निकलते हैं बाली कल्ले निकलते हैं उस समय उसका एक भाग देते हैं, और दूसरा भाग जो है हम दाने जब आना शुरू होते हैं यानी भरना शुरू होते हैं उस समय हम उसको मात्रा देते हैं, और बाकी जो फास्फोरस है और पोटास की मात्रा है वो हम बुआई के साथ साथ डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात आती खरपतवारों की, तो खरपतवार गेहूं की फसलों जैसे कि हर फसल में खरपतवारों का एक विशेष स्थान है उसकी उपज को प्रभावित करने में, तो ये एकदम जैसा कि हम बोलते हैं कि गेहूं की फसल या किसी भी फसल में हम बुआई के समय ही यदि हम उपचार करना शुरू करें, उपचार कैसे शुरू करेंगे हम, पहले तो हम बात किए थे जैसे कि भूमि की तैयारी, तो भूमि की तैयारी हमको जैसा कि बहुत अच्छे से करना है जो कि खरपतवार मुक्त रहे, और उसके पश्चात हम जब गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई में जो कि 3 दिवस के अंतराल में ही हमको जो भी प्री इमर्जेंस दवा यानी अंकुरण पूर्व जो दवा डालनी है खरपतवार के लिए वो दवा हमको उपयोग करनी है। इन दवाओं में अभी जो चल रहे हैं बाज़ार में वो पेंडीमिथिलिन है आपका, जो कि एक किलो पर हेक्टर की दर से हम उसको डालते हैं। यदि अंकुरण पूर्व नहीं डालते हैं, अंकुरण पूर्व का मतलब होता है खरपतवार के अंकुरण पूर्व, यदि आप उस समय नहीं डाल पाते हैं 3 दिवस के अंदर तो 20 से 25 दिन की अवस्था में आप और भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल जो कि जिसकी रासायनिक मात्रा 4 से 6 ग्राम प्रति हेक्टर हम डालते हैं, और जो व्यावसायिक हमको जो मिलता है वो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको उपयोग करना रहता है। इसके अलावा वेस्टा नाम से भी अभी एक दवा मिल रही है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल और क्लोरीनोफॉप जो कि सक्रिय पत्ती है को मारती है उसका उपयोग उसकी मात्रा मिली हुई रहती है उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसी और भी दवाइयां बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका हम 20 से 25 दिनों के उपरांत हम उपयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाई दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तभी आप कोशिश करें कि हाथ से निंदाई का कार्य करें, क्योंकि हाथ से निंदाई का कार्य जो होता है बहुत महंगा होता है और मज़दूरों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से हम जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उस हाथ की निंदाई को हम लोग किसान भाइयों को हतोत्साहित करते हैं कि वह कार्य ना करते हुए रासायनिक दवाओं का उपयोग करें जो कि समय में खरपतवारों से नुकसान होने से बच सकें। अब बात करते हैं कि कैसन ढंग के ओकर कटाई में सावधानी रखना है और भंडारण के का स्थिति होना चाहिए, तो आओ देखते हैं कटाई और भंडारण के स्थिति ला संगवारी हो काय कहा थे डॉक्टर साहब ध्यान से सुनथन। जैसे गेहूँ की कटाई की बात हो रही है तो जैसा गेहूँ की जो समस्त प्रजातियाँ हैं वो लगभग 120 से 130 दिन में पक्के तैयार होती हैं। इसमें मैं एक चीज़ और आपको जोड़ना चाहूँगा कि हमने प्रजातियों के बारे में कोई बात नहीं करी है, इसलिए मैं उसके ऊपर विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सी किस्में डेवलप हो चुकी हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी हैं।
रतन नाम से गेहूँ है जो पहले से चला आ रहा है, अरपा है, और अभी छत्तीसगढ़ गेहूँ सीजी गेहूँ वन करके निकल वैरायटियाँ निकल रही हैं। इस तरीके की जो किस्में हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए पूर्णतया अनुकूलित हैं। इसके अलावा जो पुरानी वैरायटियाँ हैं जो चली आ रही हैं GW 273 173 366 और आपका सुजाता वैरायटी जो है सरपति की एक किस्म है जो कि खाने के लिए उपयोग की जाती है, और सुजाता जो है एक ज़्यादा ऊंचाई वाली गेहूँ है जो कि जिसका कि गिरने का डर रहता है, लेकिन फिर भी किसान भाई उसको खाने के लिए उपयोग लाते हैं। तो ये सारी किस्में हैं जिनका उपयोग किसान भाई अपने गेहूं की खेती के लिए कर सकते हैं। रही बात अब कटाई की, तो जैसा कि धान की कटाई हार्वेस्टर से की जाती है, वैसे ही आजकल किसान भाई गेहूं की कटाई भी हार्वेस्टर से करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो पुरानी पद्धति थी हाथ से कटाई की, वो तो है ही, आप हाथ से कटाई करके उसको खेत पे एक दो दिन सूखने छोड़ दें, और सूखने के पश्चात उसको उसका परिवहन करके उसको हम ट्रैक्टर के द्वारा मिसाई करते हैं और भंडार गृह में सफाई करके भंडार गृह में रख लेते हैं। तो हार्वेस्टर से यदि आप करेंगे तो आपको तुरंत गेहूं मिल जाएगा और आप जाके उसको सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी आप हाथ से कटाई करेंगे तो आपको मजदूरों की आवश्यकता होगी और समय ज़्यादा लगेगा। संगवारी हो, ढेरकन चर्चा हुई से गेहूं के खेती में कैसन ढंग के प्रबंधन करे जाए, जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, एक संगे संग माटी के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, खाद प्रबंधन कैसे होना चाहिए, सिंचाई पर हमला काका बात के ध्यान रखना है, एक संगे संग हम आज जानें कि हैप्पी सीड ड्रिल से हमारे किसान भाई मन है गेहूँ के खेती में कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये जम्मो गोट बात हुई से संगवारी हो, आप मन कैसे लगी से आप मन है जरूर बताऊँ। अब ढेर अकन चर्चा हो गई है, ज्ञान के बात हो गए है, तब एक मनोरंजन घलोक हो जाना चाहिए। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, ए उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, ए उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, ए उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठे जी चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे के सब रस ले भागे, चारे के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ाके उड़ भागे, परदेसी।
संगवारी हो, गीत है आप मन ला कैसे लागी सेला आप मन जरूर बताऊँ। और हमार आज के गेहूं के खेती में प्रबंधन कैसे करे जाए ये जम्मो गोट बात ला आप मन सुने हो देखे हो तई कैसे लागी सेला आप मन है चिट्ठी पत्र के माध्यम ले जरूर बताऊँ। हमार पता तो आप मन ला पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।